तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आईटीआई डिटेक्टिव। तो दोस्तों, फिर से निकल के आ रही है आपके लिए लेटेस्ट अपडेट जानकारी जो कि कैंपस प्लेसमेंट से निकल के आ रही है। तो दोस्तों, ये जो होने वाले कैंपस प्लेसमेंट एक कार मैन्युफैक्चरिंग का है, यानी कि क्या जो कार के पार्ट्स बनाती है ऐसे नामांकित कंपनी है दोस्तों, उनका कैंपस प्लेसमेंट लगने जा रहा है। आखिरकार दोस्तों, इनका कैंपस प्लेसमेंट कहाँ होने वाला है, इसकी सैलरी क्या दी जाएंगी, आपको क्वालिफिकेशन क्या होना और इसका वेन्यू क्या है, वो सब कुछ हम वीडियो के आगे में देखेंगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल आईटीडीटी के साथ। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आईटी से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हो, जॉब रिलेटेड या अप्रेंटिस रिलेटेड, वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की ओर। तो दोस्तों, कंपनी नेम जो है कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, प्लांट सानानंद गुजरात। तो दोस्तों, जो निकल के आ रही है गुजरात के सानानंद प्लांट से जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वहाँ से यहाँ वैकेंसी निकल के आ रही है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट फॉर आईटीआई होल्डर्स, यानी कि जो आईटीआई पास आउट स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी खासी स्कीम निकल के आ रही है। साथ ही साथ अंडर लर्न एंड अर्न प्रोग्राम में, साथ ही साथ अगर दोस्तों आपका आईटीआई होने को है फिर भी आप आईटीआई कर रहे हो, आपका लास्ट ईयर था, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, नंबर ऑफ वैकेंसी देखी जाए तो यहाँ पे 100 पोस्ट निकल के आ रही है, जो कि बहुत कम है। इसके बाद दोस्तों, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आईटीआई पास आउट विथ 2 ईयर ट्रेड। दोस्तों, कोई भी 2 साल का आईटीआई पास आउट ट्रेड होना आपका, अगर 2 साल का नहीं है, आपका 1 ईयर का है, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते। उसके बाद दोस्तों, ऑल टेक्निकल ट्रेड चलते हैं। एक साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे एक्सपीरियंस और फ्रेशर, यानी कि आप दोस्तों टेंशन नहीं है यहाँ पे, अगर दोस्तों आप यहाँ पे फ्रेशर हो, अभी भी आईटीआई पास आउट, तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं एज लिमिट की, तो एज लिमिट जो है 18 साल से लेकर 23 साल के बीच होना। उसके बाद दोस्तों, जेंडर की बात करते हैं तो मेल और फीमेल, यानी कि लड़की और लड़के दोनों फॉर्म यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ में साथ दोस्तों, यहाँ पे कैंडिडेट का वेट जो होना 50 किलो के ऊपर होना, और जो सैलरी और बेनिफिट दी जाएंगी 12,000 रुपये आपके हाथ में रखी जाएंगी, यानी कि 12,000 रुपये पर मंथ आपके हैंड में रखी जाएंगी। और जो बेनिफिट्स होंगे, यानी कि इंश्योरेंस, शूज, यूनिफॉर्म, और आफ्टर कंप्लीट ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइड सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको जो यूनिफॉर्म होंगे, आपके शूज़ होंगे, इंश्योरेंस होगा, वो सभी जो कंपनी की तरफ से बेनिफिट दी जाएंगी। और साथ ही साथ जो आपको ट्रेनिंग होने के बाद दोस्तों, आपकी जो सर्टिफिकेट रहेगा डिप्लोमा इन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, उसका आपको एक जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, कैंटीन और बस की फैसिलिटी फ्री में आपको अवेलेबल की जाएंगी। उसके बाद दोस्तों, सिलेक्ट प्रोसेस की बात करते हैं तो ये टेस्ट और इंटरव्यू बेसिस पे होगा। अगर दोस्तों आप यहाँ पे चाहते हो कि आपका सिलेक्शन ईजिली हो सके, ये नहीं हो सकता दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो टेस्ट देना पड़ेगा और आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों, मेडिकल चेकअप भी साथ साथ आपको पार करना होगा, यानी कि मेडिकल टेस्ट की भी एक टेस्ट होंगे आपकी, जिसको आपको क्लियर करना है। उसके बाद दोस्तों, जॉब लोकेशन की बात करते हैं तो जॉब लोकेशन जो है दोस्तों, जो कि GIDC 2 चारोडी रेलवे स्टेशन सनानंद नियर अहमदाबाद गुजरात। तो दोस्तों, यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट मांगे गए, आईटीआई की सभी मार्कशीट, 10th मार्कशीट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज, कलर फोटो, और दोस्तों जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ बताए गए यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे। तो दोस्तों, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक जो मैंने अपने जो YouTube के डिस्क्रिप्शन में दे दिए है, वहाँ पे जाके आप जल्द से जल्द फॉर्म भर लीजिएगा। वो फॉर्म भरने के बाद दोस्तों, आपको जो नोटिफिकेशन आएगा, जब भी इंटरव्यू के लिए आना है, आपको जो उधर से कॉल लेटर आएगा और आपको इंटरव्यू देने जाना है दोस्तों। आई होप दोस्तों, आप जल्द से जल्द सिलेक्ट हो जाओगे इस नौकरी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए।